हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर स्टिचिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बोट नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। और ये नेट का कपड़ा है एक, और एक लाइनिंग का और एक अस्तर का। तो और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो यहाँ हमारे पूरे ब्लाउज की लंबाई होगी 15 इंच, जो कि मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और हमारा तीरा होगा 6 इंच और हमारा गला होगा 4 इंच और गले की लंबाई होगी 3 इंच, जो कि बोट नेक है तो इसलिए 3 इंच। और 6.5 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी जहाँ बस नेट फैब्रिक रहेगा। और यहाँ मैं गले का शेप दूंगी हल्का सा राउंड देते हुए। और यहाँ मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6 इंच पे, 6 इंच पे निशान सीधा कर देंगे। और यहाँ से कोने पर 1.5 इंच का एक निशान और 1-2 इंच का निशान लगाते हुए राउंड शेप देंगे। तो यहाँ मैं अपने चेस्ट की नाप के अनुसार निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे और 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। यहाँ कमर का निशान 8 इंच पे और 1 इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी। और यहाँ लाइन को सीधा कर देंगे और वहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं, जैसा आप चाहें। और गले पे एक राउंड शेप देते हुए और मैं आर्म होल के पास 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और यहाँ गले के ऊपर से नापते हुए 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको सीधा हल्का सा राउंड में शेप देते हुए नीचे तक लाएंगे, जैसा आप देख रहे हैं जो ऊपर का। और यहाँ से 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे 4 इंच पे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सीधा लाइन कर देंगे। यहाँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं सेम उसी तरह, और इसको ऊपर कोने पे मिला देंगे हल्का सा राउंड देते हुए शेविंग आकार में। तो यहाँ मेरी नाप पूरा हो गई है। अब यहाँ हम कटिंग करेंगे कपड़े की। और यहाँ पे हम नेट फैब्रिक पे कटिंग करेंगे सेम इसी तरह। और यहाँ अलग पार्ट कर देंगे इसका। और यहाँ से हम लाइनिंग का कपड़ा कट करते हुए तो यहाँ हमारी पूरी कटिंग हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारा नीचे अस्तर है एक, और ये सिल्क का कपड़ा है और ये नेट का। तो यह हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सेम इसी तरह ज्वाइंट होगा उसको दोनों तरफ से, जो कटा है उसको प्रिंसेस कट के में सिला जाता। तो यहाँ मैं सबसे पहले बोट नेक का गला बनाऊंगी, जिससे कि मैं रेप पट्टी काट के इसको साइड से मोड़ रही हूँ गले में लगाने के लिए।
तो यहाँ अब हम साइड से प्रिंसेस कट जो कटिंग किए थे उसको हम जोड़ेंगे दोनों साइड से नेक फैब्रिक पे। इसको खींचना नहीं है, सीधे आराम आराम से सिलते जाना है पूरे लास्ट तक। और ऐसे ही सेम इस साइड से भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमारा नेट फैब्रिक का ज्वाइंट हो गया है प्रिंसेस कट में दोनों साइड से। अब हम यहाँ नीचे का अस्तर की ज्वाइंट करेंगे सेम उसी तरह जैसे हम ज्वाइंट किए थे नेट के कपड़े पे। तो यहाँ मेरी स्टिचिंग पूरी हो गई अस्तर की। अब हम इसमें ब्लाउज पैड लगाएंगे। तो यहाँ इसको मोटे हुए एक निशान लगा देंगे ताकि निशान से अच्छे से हम बैठा के स्टिच कर सके। तो फैब्रिक को उल्टा करके उस पर निशान को अच्छे से बैठाएंगे और बीच में एक स्टिच मारेंगे, फिर उसको राउंड शेप देते हुए दोनों को लगा देंगे। अगर आपको ब्लाउज पैड लगाने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं पूरा डिटेल से आपको ब्लाउज पैड लगाने को बताऊंगी। तो यहाँ ऐसे देख सकते हैं इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए एक बीच में स्टिच लगाएंगे और स्टिच लगाने के बाद इसके चारों ओर हम स्टिचिंग लगा देंगे सीधा करके इसको। और यहाँ हमारी ब्लाउज पैड लग गया है। अब हम इसके ऊपर इसी का कपड़ा लगाएंगे, इसको भी हम सेम ज्वाइंट करेंगे जैसे और दोनों जोड़े हैं। तो अब इसके ऊपर हम सिल्क का कपड़ा लगा के ज्वाइंट करेंगे और यहाँ बीच में एक पिनअप कर देंगे ताकि अच्छे से स्टिचिंग हो सके। और यहाँ सीधे पे एक सिलाई लगाते हुए पूरा करेंगे। और यहाँ कट लगाते हुए हम इसको पलट देंगे ताकि सीधा हो जाएगा और इसके ऊपर हम स्टिचिंग कर देंगे। और ये हमारा तैयार हो गया है। हम चारों साइड से इसकी सिलाई कर देंगे और फिर ऊपर से जो नेट का हम फैब्रिक ज्वाइंट किए थे ऊपर से इसको लगा देंगे अच्छे से बैठा के सब सेटिंग करके। तो यहाँ इसके ऊपर हम एक स्टिच लगाएंगे ताकि नेट फैब्रिक है जो अच्छे से बैठ जाए ऐसे बीच में। तो यहाँ हमारी स्टिचिंग पूरी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको कहीं भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरी स्टिचिंग पूरी हो गई है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। ये डिज़ाइन आप ब्लाउज में या सूट में कुर्ती में कहीं किसी में भी सिलवा सकते हैं। सो थैंक्स वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सबका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।